नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि बालों का झड़ना कैसे रोका जाए। एक तो बारिश का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न के बाद जैसे बारिश का सीज़न चालू होता है आपके बालों टूटना चालू हो जाते हैं। बाल भीगते हैं, बाल नहाने के बाद भी टूटते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं बैठ रहे हो अपने दोस्तों के सामने, उस समय आपके बाल गिरते हैं टेबल पे, तो बहुत ही ख़राब दिखता है, बहुत ही अजीब सा फील होता है कि हमारे बाल क्यों टूट रहे। इतने अच्छे बाल होने के बाद भी बाल टूटता है। दोस्तों ये रूट्स में कमजोरी आ जाती है, जो आपके बालों का जड़ होता है वो कमज़ोर हो जाता है और इसकी वजह से आपका बाल टूटना शुरू हो जाता है। तो ये समस्या से सभी लोग परेशान, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही परेशान हो। तो इसके लिए भी ये आपको आहार लेना, ऐसे आहार लेना जैसे आपके बालों की परेशानी दूर हो सकती है। इस बात का कोई शक नहीं दोस्तों, बाल झड़ना तो का समस्या तो लगा ही रहता है। तो दोस्तों इसके अनुसार आपको क्या करना है कि क्या आपको फ्री माइंड रहना है, तनावपूर्ण रहना है, कोई भी मौसम में आपको अच्छी तरीके से अनहेल्दी लाइफ नहीं जीना है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना है और आपको खान पीन मतलब रहन सहन खान पीन और आपके बालों का केयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको इसके लिए नट्स और बीज ले सकते हैं। जैसे कि नट्स बीज की बात की जाए तो बादाम ले सकते हो। बादाम में दोस्तों विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी बालों को मजबूत करता है और आपकी बालों में शाइनिंग लाता है और आपके बालों का टूटना जो होता है वो प्रॉब्लम्स वो दूर करता है। दोस्तों झड़ते बालों को रोकने के लिए बड़ा चम्मच आप बादाम का तेल या एक बड़ा चम्मच आप अलसी का तेल या एक चम्मच कैस्टर ऑयल को, एक चम्मच ऑलिव ऑयल को, अंडे का जो अंडा फोड़ना है उसके अंदर का जो सफ़ेदी होता है, अंडे के सफ़ेदी के साथ ये सारे ऑयल मिक्स करके आप अपने बालों पे लगाना है। आप इसे आधा घंटा या एक घंटा रख सकते हो। इसके बाद आपको उसको माइल्ड शैम्पू से धोना, फ्री केमिकल शैम्पू बोलते हैं ना जिसमें केमिकल लो, वो वाले शैम्पू से आपको इसको धो लेना। तो इससे आपकी तो भी इससे बाल आपका जो झड़ना है वो रुक जाएगा। दोस्तों आपको दही तो जानते हैं, दही बहुत फ़ायदा करता है, ये आपके जैसे पेट में भी जलन हो तो उसके लिए भी बहुत है। एक कटोरी दही आपको सभी समस्या का इलाज कर सकता है। क्या करना है, पेट की समस्या को लेकर या बालों की स्किन की प्रॉब्लम जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप दही या प्रोटीन में, क्या दही में बहुत सारी प्रोटीन होती है, हेल्दी फूड इसे माना जाता है। ये आपकी जो आंत का जो होता है बैक्टीरिया होता है ना उससे एकदम मतलब एक कंट्रोल रखता है और आपकी आंतों, जब आंत अच्छा रहे, बाल टूटने का कनेक्शन आपके पेटों से ही होता है। दोस्तों आपके पेट में जब सही तरीके से भोजन नहीं पचता है, आपको गैस बना रहता है या आपके खाने बराबर नहीं पचते, उसकी वजह से भी आपके बालों का टूटने का समस्या है। आप चाहे तो बाल अपने दही सॉरी आप चाहे तो आप दही अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में लगा के उसमें नारियल का तेल और या एरोला जेल मिला के 30 मिनट तक रख सकते हैं। इसे छोड़ के बाद में माइल्ड शैम्पू से धो देंगे तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अंडे की बात कीजिए तो अंडे में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बायोटिन होते हैं, सेलेन होते हैं और उसमें जिंक की मात्रा अच्छी होती है। दोस्तों बालों को बढ़ाने के लिए साथ साथ ये पोषक तत्व भी बहुत काम करता है आपकी बालों के लिए। तो दोस्तों डाइट में आपको प्रोटीन की कमी जो होता है वो आप अंडे से पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों डाइट में क्या होता है, ओमेगा 3 और प्रोटीन में ये अंडे के अंदर भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके बालों को क्या मजबूत रखता है और आपके बालों को जो घने करने में भी मदद करता है। दोस्तों डाइट में अगर आप अंडा लेते हो तो आपको दोस्तों बहुत ही फायदेमंद। इसका आप क्या करना है, अंडा का आप मास्क भी बना सकते हो। जो मास्क में आपको क्या करना है कि इसका अंडे की जो सफ़ेदी होती है वही हिस्सा आपको लेना है इसका हेयर मास्क बनाने के यूज़ में। इसमें कुछ आप विटामिन ई का कैप्सूल या एक चम्मच कैस्टर ऑयल या एक चम्मच नारियल का तेल या कोई शहद हनी इसे मिलाकर अच्छे से लपेट ले और अपने बालों में लगा के रखें। आधे घंटा लगाने के बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू मतलब फ्री केमिकल वाले शैम्पू से धो सकते हैं। ऐसे करने से भी आपकी जो बालों की समस्या है, बारिशों में जो टूट रहे वो समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों अब फ्रूट्स और बेरीज के भी बारे में बता दूँ तो फ्रूट्स और बेरीज में भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और मिनरल्स बहुत ही भारी मात्रा में होता है, जो आपके बालों को क्या होता है, झड़ने से रोकता है। और इसमें क्या होता है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स की आपको बेरीज, आयरन वाले ऐसे वाले जैसे फ्रूट्स आप ले रहे हो तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा कर देगा। आपके बालों को भी अच्छा मजबूत करेगा और आपके बालों की भी ग्रोथ को भी अच्छा तरीके से बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि इस फ्रूट्स में बहुत सारे भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।